इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से आपको बताते हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिरा है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। भागलपुर में गंगा नदी पर यह पुल बन रहा था। आपको बता दें कि 1750 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भागलपुर से, जहां निर्माणाधीन पुल गिरा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ये भागलपुर की तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। भागलपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, ये बड़ी राहत की बात है। आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भागलपुर में सुल्तानगंज के पास अगवानी पुल जिसका निर्माण करवाया जा रहा था, वो धराशायी हो गया। ये तस्वीरें आप देखें, भागलपुर से जुड़ी खबर। और आपको बता दें कि इससे पहले भी भागलपुर में आंधी की वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। ये अगवानी पुल जो है मुख्यमंत्री के द्वारा 1914 में इसका निर्माण उद्घाटन हुआ था, और पिछले वर्ष भी यह पुल दो पुल पिलर धराशायी हुई थी। इस बार पुनः ये तीन पुलिया इसका जो है टूट के गिर, पूरा धराशायी है, गंगा नदी में ही गिर गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह के कंपनी वाले को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। तो ये पुनरावृत्ति है, इसी साल पिछले साल भी इसकी घटना हुई थी, और पुनः भागलपुर में भी इसी कंपनी को दिया गया है, तो इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? जी देखिए, मैं बता दूं कि ये जो था भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल से है बनना था, जिसकी अवधि जो 4 साल रखी गई थी, लेकिन 8 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया था। इसका निर्माण जो एसपी सिंगला कंपनी जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कुछ महीना पहले भी जो है आंधी की वजह से जो ये पुल धराशायी हो गया था, और उसके बाद उस समय भी इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया था, लेकिन पुनः जो है इस कंपनी को दिया गया, जिससे आज इतने बड़े हादसा होती। संयोग इतना था कि काम बंद हो गया था, काम बंद होने के बाद मजदूर सब जो है अपने ठिकाने पे पहुंच गए थे, इसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि अभी अधिकारी वहां पे नहीं पहुंच पाए, अधिकारी पहुंचने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सब मजदूर कुशल हैं या कुछ मजदूर लापता, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी तो निर्माणाधीन पुल है तो काम तो चल ही रहा होगा ना आलोक? जी बिल्कुल, काम चल रहा था, क्योंकि शाम का समय हो गया था, तो ये लोग जितने मजदूर हैं सब बाहर के हैं और सब दूसरे जिला से आके जो है यहाँ पे किराए पे लेके ये लोग मकान पे थे और वहाँ पे काम करते थे। कितने देर पहले हादसा हुआ है? ये हादसा 1 घंटा पहले का बताया जा रहा है, लगभग 1 घंटा हो गया ये हादसा होने से। लेकिन ये लोग जो है धूप की वजह से जो है थोड़ा सवेरे काम करके निकल जाते थे, आए दिन जब से हीट वेव के प्रकोप से जो है कुछ मजदूर सब जो है कुछ पहले से काम करते थे और पहले ये लोग निकल जाते थे, और मजदूर के निकलने के बाद ये हादसा घटा। जी आलोक, तो आंधी जब आई थी उस समय तो कुछ हिस्सा गिरा था, अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं तो पूरा का पूरा पुल ही ऐसा लग रहा है कि गिर गया हो। नहीं, ये जो है अभी 3 पाया जो है कनेक्टेड पाया जो था वो, चूंकि पाया धस गया, सबसे बड़ी बात ये है कि पाया पानी में जो था, वो पाया धसने की वजह से जो है ये ऊपर का जो सड़क जो था वो धराशायी हुआ। और कुछ दिन पहले जो था ये पाया नहीं, ऊपर का सड़क पाया सुरक्षित था, ऊपर का सड़क जो था जो रोड बनना था वो ही आंधी के झोंकों में वो उड़ गया था। जी तो अधिकारी वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं, भागलपुर से अधिकारी को पहुंचना है। भागलपुर से सुल्तानगंज दूरी लगभग 35 किलोमीटर होती है, जिस वजह से अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। स्थानीय सुल्तानगंज का तो प्रशासन होगा, जी सुल्तानगंज का जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय थाना जो है ये पहुंचा है, ये पहुंच गई है, और वहाँ एसपी सिंगला के जो है अधिकारी वर्ग के तो लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि उन लोग भागलपुर में रहते। अच्छा, एक चीज जल्दी से आलोक, जब कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, फिर उसे कैसे वो ठेका मिल गया?
जी देखिए ये जांच का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही फिर से पुनः उसी कंपनी को दे दिया जाता है, ये तो जांच की विषय है और सबसे सवालिया निशान है इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर लगना मुनासिब है जी। चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए आलोक, वहां से जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है उसे वापस ठेका मिल जाता है और उसके बाद ये तस्वीर सामने आती है।